सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो मॉड। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दो बाइक खड़ी हुई हैं, एक R15 V4 है और एक R15 V3 है। और आज हम इन दोनों का वाइब्रेशन टेस्ट करने वाले हैं। और एक मैंने पल्सर RS की वाइब्रेशन वाली वीडियो डाली थी, आपने उसको इतना प्यार दिखाया ना, इतना प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे को एक भाई का कमेंट भी आया था कि भैया R15 का भी वाइब्रेशन टेस्ट करो, तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दोनों बाइक खड़ी हुई हैं, तो आज हम इन दोनों का वाइब्रेशन टेस्ट करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो, और यहीं कहीं पे इंस्टाग्राम हैंडल फ्लैश हो रहा होगा तो जाके फॉलो कर लो, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रील्स वगैरह मैंने क्रिएट की हुई हैं, आप देख सकते हो जाके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो मेरे सामने दोनों बाइक खड़ी हुई हैं, और वाइब्रेशन टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो मैंने दोनों बाइक सीधी खड़ी करी हुई हैं, और आप बाद में कमेंट में बोलना मत कि भैया सीधी खड़ी नहीं थी बाइक, और देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई हैं दोनों बाइक, आप देख सकते हो। मैं वाइब्रेशन टेस्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे वाइब्रेशन टेस्ट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, मैं पहले टैंक पे चेक करूँगा कि टैंक पे कितनी वाइब्रेशन आती हैं, और पहले हम टैंक पे चेक करके देखेंगे ग्लास को, देन उसके बाद में हम पिलियन वाली सीट पे ग्लास को रख के देखेंगे, और उसके बाद में थोड़ा रैप करके देखेंगे कि कितनी देर तक ग्लास टिक पाता है और कितनी वाइब्रेशन आती हैं। और बाय द वे ये BS6 वाला मॉडल है और वो BS4 वाली है, और ये R15 V4 है, और वो वाली रेड वाली जो है वो V3 है। मैं आपको एक बार फ्रंट से भी दिखा देता हूँ दोनों बाइक्स को, तो आप दोनों बाइक को देख सकते हो फ्रंट से, दोनों स्ट्रेट खड़ी हुई हैं, और मैं साइड से इसको भी दिखा देता हूँ, आप देख लो। और पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं Version 3 से, देन उसके बाद में हम Version 4 का वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे। तो आइए पहले मैं ग्लास रख के आपको दिखाता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने ग्लास R15 V3 के ऊपर रख दिया है, और पहले हम इसको आइडल पे स्टार्ट रखेंगे और फिर देखेंगे वाइब्रेशन कितनी आती है। तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। और आप देख सकते हो वाइब्रेशन कितनी है इसके अंदर, मेरे को ग्लास में पानी हिलता हुआ दिख रहा है, और मैं थोड़ा इसको अभी रैप करने भी वाला हूँ। पहले आप आइडलिंग में एक बार चेक कर लो कितनी वाइब्रेशन है इसके अंदर, और पहले मैं इसको रैप करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी आपने देखा होगा मैंने इसको 8 से 9000 RPM पे रैव किया था, और ग्लास बिल्कुल हल्का सा अपनी जगह से मिसप्लेस हुआ था और वाइब्रेशन भी थे। और अभी इसको पहले पिलियन वाली सीट पे टेस्ट करके देखते हैं, देन उसके बाद में V4 का टेस्ट करेंगे हम। और मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ ग्लास को, और मेरे अकॉर्डिंग ग्लास यहाँ से गिर जाएगा क्योंकि ग्लास का स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, आप देख सकते हो। और पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, और आप पिलियन वाली सीट पे देख सकते हैं आइडलिंग में कितनी वाइब्रेशन है, और ग्लास मेरे को हिलता दिख रहा है, देख सकते हो आप। और मैं इसको रैप करने वाला हूँ अब, तो आप देख सकते हो। तो गाइज आपने देखा होगा मैंने इसको 9 से 10000 RPM तक रैव किया था, और मेरे को लगा था ग्लास गिर जाएगा, लेकिन ग्लास नहीं गिरा, और बिल्कुल हल्के से वाइब्रेशन है इसके अंदर टैंक पे और पिलियन वाली सीट पे, मेरे को लगता है दोनों में सेम ही वाइब्रेशन है। और अब हम टेस्ट करने वाले हैं V4 का, और V4 के रिजल्ट देखेंगे कैसे आएंगे निकल के। तो मैंने ग्लास को रख दिया है Version 4 पे, और तो अब इसका वाइब्रेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं बाइक को पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो मेरे को लगता है V3 से ज़्यादा इसके अंदर वाइब्रेशन है, क्योंकि पानी जो है टैंक पे हिल रहा है इससे ज़्यादा। और मैं अभी आपको उसका भी दिखा दूंगा टैंक पे रख के, तो आप देख सकते हो। और अभी इसको थोड़ा रैप करके देखते हैं, देन देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो भाई देखा होगा आपने मैंने इसको 10 से 11000 तक रैप किया था, और ग्लास अपनी जगह से मिसप्लेस हो चुका है, आप देख सकते हो। मैंने ग्लास हल्का सा पीछे रखा हुआ था और वो आगे शिफ्ट हो गया, और इसमें से हल्का सा पानी छलक के बाहर भी आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे बूंदें पड़ी हुई हैं पानी की, तो थोड़ा क्या है कि पानी बाहर भी आ गया है निकल के। और अभी पिलियन वाली सीट पर भी रख के ग्लास को देखेंगे क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो मैं एक बार इसको पिलियन वाली सीट पर रख देता हूँ ग्लास को, तो आप देख सकते हो आइडलिंग में कितनी इसमें वाइब्रेशन है, पानी बिल्कुल अलग ही दिख रहा है हिलता हुआ, आप देख सकते हो ग्लास में। इसमें अलग ही हिलता हुआ दिख रहा है। अभी मैं इसको रैप करता हूँ थोड़ा, और जब देखेंगे इसको कि क्या रिजल्ट रहने वाला है।
तो भाई आपने देखा होगा क्या रिजल्ट है। और जो मेरे को लगता है जो इसकी पिलियन वाली सीट है उस पर थोड़ी कम वाइब्रेशन है और टैंक पे थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन है। और अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग वर्जन 3 जो है उसमें थोड़ी वाइब्रेशन कम है और वर्जन 4 में थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन है। ऑल दो उसके टेल पे ज़्यादा वाइब्रेशन है, आपने देखा होगा ग्लास ऐसे हिल रहा था जैसे इस पर हिल रहा है। और उसके जो और जो वर्जन 3 का जो टैंक पे हमने रख के देखा था उसमें मेरे को थोड़ी कम वाइब्रेशन लगी थी, लेकिन V4 के अंदर थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन है। और आप मेरे को कमेंट पे बताना कि आपको वाइब्रेशन किस में ज़्यादा लगती हैं, और मैंने लाइव टेस्ट आपके सामने करके दिखाया था। बाय द वे ये दोनों बाइक खड़ी हुई हैं आप देख सकते हो। और मैं आपको बताऊँ जो वर्जन 3 है ये BS4 वाला वेरिएंट है, और जो वर्जन 4 जो है वो BS6 वाला वेरिएंट है। BS6 वाले वेरिएंट होने के बाद भी उसमें इतनी वाइब्रेशन है टैंक पे और इसके अंदर है नहीं। अगर आपको वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहता हूँ। और अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय।